जब तक तुम तसल्ली नहीं करवाओगी ना इसकी, ये यहाँ से नहीं जाएगी। अभी इसके घर वाले जिंदा हैं। ठीक है, इसे शक है ना, तो अब इसका शक मैं सच करके दिखाऊंगा। अब मैं करके दिखाऊंगा दूसरी शादी। समझती हो तुम अपने आप को? आज तक तुमने मुझे दिया क्या है? ना घर का सुख, ना औलाद का। मेरी मदद करो रानिया प्लीज। तुम तो बहुत अच्छी हो ना। मैं इतनी बड़ी रकम का कहां से बंदोबस्त करूं? ये मीसनी रानिया ना मेरी मदद नहीं करेगी। तब्बू प्लीज, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मैं क्या करूं? कमबख्त मारी, अल्लाह करे फारूक भी इसको धक्के दे दे के निकाले। दो दो हथियाले दुकानें इसने और फिर भी चैन नहीं आ रहा इसको। क्या करूं हारून से कैसे छुटकारा पाऊं? क्या करूं अल्लाह। क्या बात है तब्बू, आजकल तुम बड़ा टेंशन नजर आ रही हो। तिम्मी तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? तुम यहाँ से 9 से 11 हो जाओगे, वरना तुम्हारा टाइम भी बुरा शुरू हो जाएगा। देखो तुम अपने छोटे से जहन पे ना इतना जोर मत डालो। अरे मुझे वो प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारा भाई 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। अच्छा तो मेरे भाई, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज इंतजाम कर दो। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है? ये 2-4 हजार की बात नहीं कंगले, ये बड़ी रकम चाहिए मुझे। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या चक्कर है ये? वो तुम्हें देखो ना, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, और अम्मी है कि पैसे ही नहीं दे रही। तुम पढ़ना चाह रही हो? अच्छा मजाक। अच्छा हाँ, वो अदील ने जो रिश्ता भेजा था तुम्हारी, उससे शादी नहीं हुई। इस सदमे से तुम्हारा कहीं दिमाग तो नहीं खिसक गया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो कोई फवाद खान है जो उसके लिए मरे जा रही थी। और एक बात बताऊँ मैं तुम्हें टिम्मी, तब्बो किसी से इम्प्रेस नहीं होती, सब तब्बो से इम्प्रेस होते हैं, समझे तुम? हाँ जैसे वो भंगी हारू। दफा हो जाए, मैं कुछ उठा के मार दूंगी तुम्हें। तमीज से बात करो। तुम तमीज के लायक ही नहीं हो, दफा हो जाए यहाँ से। तुम भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस घर में रखा हुआ। टिम्मी, तो इसने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। अम्मा कोई दरवाजे पे आए हैं। खाने भी नहीं देते चैन से, पता नहीं कौन आ गया। कौन है? दादा आओ, तुम आ गए, तुम मुझे लेने आए हो ना? नहीं नबीला, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने साइमा से शादी कर ली। साइमा? ये है साइमा, मेरी बीवी। नहीं, तुमने मुझे मेरा साथ छीन लिया, तुमने मेरा साथ को मुझसे छीन लिया। अरे नहीं,
वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं करेगा। मेरी जान, हाँ, मामा की गुड़िया, मामा की डॉग, प्रिंसेस, हाँ, गुगा जानू, जान, हाय हाय अल्लाह। अरे देखो पापा भी आ गए, पापा के पास जाना है? नहीं मैं भी बहुत थका हूँ अभी। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, इसको रख दो। क्या मुसीबत है, आप ही सर में दर्द। आयशा प्लीज चुप हो जाओ, पापा को तंग मत करो। पता नहीं इसे मुझसे क्या बात, अभी खाला के साथ मजे से खेल रही थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हर वक्त रोती रहती, माँ की वो भी इसी तरह रोती रहती। चुप 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 चुप। आयशा क्यों रो रही है? नहीं, जब से तुम गई हो तब से रो रही। नहीं रोते, मेरा बच्चा आपने से गोद में क्यों नहीं उठा लिया? नहीं मुझे आदत नहीं है इन फजूल की, तुम उसको बाहर ले जाओ, मुझे आदत। इसे सिर्फ बच्ची की परवाह है, मेरा कोई एहसास? तुम मरकर भी मेरी जिंदगी पे हावी हो खाली। I hate you. सर सर बता दे टिम्मी, वरना मैं तेरे पापा से शिकायत कर दूंगी। मैंने आज तक बगैर इजाजत कभी पैसे नहीं निकाले। जरूरी नहीं पहले जो कुछ ना हुआ अब भी ना हो। कसम ले ले अम्मी, मैंने आपकी अलमारी से कोई पैसे नहीं निकाले। मैं तो इतने दिनों से आपके कमरे में भी नहीं गया, और मुझे जरूरत क्या है इतनी बड़ी रकम निकालने की? ये तो कौन ले गया, क्या जिन भूत बैठे हैं घर में? कोई ना कोई तो है, घर का ही आदमी है जिसे ये पता है कि मेरी अलमारी में कहाँ रहते हैं पैसे। आप तब्बू से क्यों नहीं पूछती, वो आजकल वैसी बड़ी मशहूर हरकतें कर रही है। क्या मतलब? कल ही मुझसे बोल रही थी कि मुझे बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। अम्मी मुझे तो लगता है कि हारून का फिर से कोई चक्कर हो गया, या तो वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं या वो फिर से उसी बातों में आ रही है। काट के रख दूंगी मैं इस लड़की को। अरे खसम खुदा का, इतनी मुश्किल से तो उस मनहूस इंसान से जान छुड़ाई है, तेरे पापा को पता चल गया ना तो घर से निकाल देंगे हम दोनों को। मुझे तो वो असल बात बताएगी नहीं, आप ही पूछने की कोशिश करें। सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि कल वो मेरी अलमारी में कुछ तलाश कर रही थी। देखा मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन घर से तो बाहर कहीं जाती नहीं, फिर कैसे ये हर वक्त फोन में लगी रहती है, पहली फुर्सत में आप उसका फोन छीने। सही कह रहे हो तुम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये लड़की तो हमें मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रखेगी। मेरे हाथ की खीर आपको जरूर पसंद आएगी, यकीनन बहुत अच्छी ही बनेगी। मगर तुम्हें आखिर इतनी जल्दी क्या है भाई घर संभालने की? आप सारा दिन काम करती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यूं फारिग बैठी हूं। ये तो आयशा की आवाज है, सो रही थी वो तो मेरे कमरे में। अच्छा मैं देख के। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही है ये इतना? ऐसे तो बहुत तेज बुखार है, देखे। बुखार तो वाकई बहुत तेज है। तुम एक काम करो, इसे मुझे दो और मुझे फ्रिज से ना थर्मामीटर ला के दो। जी बल्कि ऐसा करो फारूक को उठा दो, हम इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बस 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 बस। फारूक, तुम आ गए रानी, मुझे पता था तुम एक दिन मेरे पास आओगी। आई लव यू। फारूक, फारूक उठे। हाँ फारूक। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? वो भाईशा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज प्लीज नीचे चले। क्या कहाँ है वो? हाँ वो आप ही आपको बुला रही है, हम डॉक्टर पे जा रहे हैं। कहाँ है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तुम्हारी सुबह? ये रात को क्या हो गया था? रोना ख्वाब देखा है अम्मा। सादत ख्वाब में आए थे, वो उस डायन के साथ शादी करके उसे इस घर में ले आए। हाय हाय, शादी करके यहाँ क्यों ले आए? अरे मरे अपने घर में उस कलमुही के साथ। अम्मा ऐसा तो ना कहें, मैं सादत की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। देखो भैया, जितना समझाना था ना हम समझा चुके, अब कोई अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करे तो करता रहे, हमें इससे क्या। ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हैं आज आप? मैं वही नब्बो हूँ जिसके लिए आप दिन रात बेचैन हुआ करती थी। नब्बो, बेचैन तो मैं अब भी हूँ और दिन रात ही हूँ। बेटे का घर उजड़ गया, एक बेटी कुंवारी बैठी हुई घर में बूढ़ी हो रही है और दूसरी का बसा बसाया घर उजड़ने वाला है। बेचैन तो मैं अब भी हूँ। अल्लाह ना करे। हाँ हाँ अल्लाह ना करे, लेकिन अब्बो तूने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा छोड़ें इस बात को, मुझे पता है सादत को कैसे काबू में करना है। आप मुझे ये बताएं, वो तैयबा के घर से कोई खैर खबर आई या नहीं? वो फोन करे या ना करे, मगर मैं तो उसे अब फोन करने वाली नहीं हूँ। मेरे अदील के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। वैसे भी हम पता नहीं बेवकूफी में जहेज के लालच में क्या कुछ करने जा रहे थे, हमें तो ये याद ही नहीं कि हमारे पास तो खरा बैंक अकाउंट है। मतलब ये कि मैंने फरजाना को उसके रिश्ते के लिए कह दिया है, अब मैं वहां पर शादी करूंगी अदील की, जहां से नीलो के लिए भी रिश्ता है। वट्टा सट्टा? हाँ हाँ वट्टा सट्टा। ये तो आपने बड़ी दूर की सोची। मेरी बच्ची का तो घर बस जाएगा और अदील का भी, और रहा तैयबा और फरहत की बात तो उनका तो वर्का फाड़ के फेंक दिया मैंने। जाओ जाके जरा चाय का पानी चढ़ाओ। मैं कर दूँ? इसको रहने दो, जाके चाय बना। जाओ। उठ। क्या है अम्मी, सोने देना। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? अब क्या हुआ, ये आंखें इतनी क्यों लाल हो रही है? अरे अम्मी अभी तो मैं सोई थी। क्यों, ये आजकल रातों को तेरी नींद क्यों नहीं पूरी हो रही? मैं ऐसी कोई बात नहीं है। देख तब्बो, मैं तुझे पहले ही कहा था, अगर तू मुझे इस दफा धोखा देगी ना तो यही तेरी कब्र बना दूंगी। अब मैंने क्या कर दिया अम्मी? अच्छा क्या ये कहाँ से आई है पैसे? तूने मेरी अलमारी से चुराए ना? क्यों चुराए तूने? क्यों चुराए तूने ये? अभी मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं पता। देख तब्बू, सच बता रही हूँ, गला दबा दूंगी मैं तेरा कसम से। सच बता, क्या बात है, क्या छुपा रही तू मुझसे? उस फ्रॉडिया हारून के चक्कर में तो फिर नहीं फंस गई? अम्मी मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ, वो तभी ना मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ भी नहीं, ठीक है। वो बिला वजह रानी इतना परेशान हो गई थी। अरे मैंने खुद चेक किया था, आयशा को 102 बुखार था। इतनी छोटी बच्ची के लिए ये मामूली नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ था, अभी बिला वजह मेरी नींद खराब की, मुझे सोने भी नहीं दिया। ये पकड़े दवाइयां इसकी। I'm sorry, वो
जब फारूक ज्यादा परेशान होता है ना तो ऐसे रिएक्ट करता है। मैं जानती हूँ कि फारूक इस तरह क्यों भी है। शाबाश तब्बो शाबाश, कितनी घुन्नी है तू, पूरी अपने बाप पे गई है। अरे उस मनहूस आदमी को सोना दे आई, मेरी अलमारी से पैसे चुरा लिए, और राजदार किसे बनाया, उस रानिया को नहीं पता चला तो तेरी माँ को। मेरी औलाद कितनी चलाक और दोगले निकली। कसम से मैं डर गई थी, मेरा कोई कसूर नहीं अम्मी, मैं ये सोचती थी कि आप मुझे कसूरवार ठहराएंगे, लेकिन अम्मी कसम खुदा की मेरा कोई कसूर नहीं, वो मेरे पीछे। ज्यादा टक्कर मारने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, मनहूस आदमी का कुछ करना ही पड़ेगा। मैं टिम्मी से बात करती हूँ, तेरा फोन मेरे पास रहेगा। अम्मी कोई फायदा ही नहीं है, वो पीटीसीएल पे कॉल कर ले। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसका मुंह बंद तो करना ही होगा। तब्बो अच्छी मुसीबत में फंसा दिया तूने, फोन दे अपना। सॉरी फारूक, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लगा कि मैं आयशा का ध्यान नहीं रख पाई। कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि आप इतने अच्छे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप उसे नजरअंदाज कर दो, इसलिए तो मेरी हानिया आपको इतना चाहती थी। तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं फारूक। मेरे साथ हमेशा यही होता, जब मैं कुछ अच्छा करने लगती हूँ हमेशा उसका उलट हो जाता है। क्या मतलब? आयशा मेरी वजह से बीमार है। कैसे? मैंने कल रात उसे ठंडा जूस पिला दिया, सोचा कि बच्चे के लिए हेल्दी होगा। सॉरी कुरानिया, तुम बहुत स्वीट हो, तुमने ये जानबूझ के तो नहीं किया, उसके भले के लिए सोचा था। अगर हुआ तो बुरा ही, मेरी वजह से इतनी मासूम सी बच्ची को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं आपसे वादा करती हूँ फारूक, मैं आयशा का बहुत ख्याल रखूंगी, पहले से भी ज्यादा, उसे कभी अकेला नहीं रखूंगी। ठीक है, काम पे जाओ। फाइल मंगवाया कि नहीं? फरहत क्या हो गया है, अभी कल ही बात हुई है, इतनी जल्दी क्या है? बस मुझे जल्दी है, आप भेजें टिम्मी को इससे पहले कि फारूक सौदा कर ले दुकान का। अल्लाह की बंदी, फारूक ऐसा नहीं है कि वो अपनी बीवी की प्रॉपर्टी पे नजर रखे, अच्छे खानदान का है। इतना अच्छा होता ना तो वो पहले ही मना कर देता, खुशी खुशी फाइल लेकर गए। तुम्हें तो आदत है बस बात बात पे मीन मेक निकालने की। बस जो भी है आपने मुझसे डील की ना उसे पूरा करें, मुझे आप पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। हद है बेतबारी की। हेलो। ओ भाई बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? हेलो हेलो, मैं जा रहा हूं इम्तियाज की तरफ, चाय तो पी लेते। हेलो हारून, तुम्हें जरूरत कैसी हुई इस घर में फोन करने की? ये बेटा, ये एनवेलप आया आपके लिए। क्या है बेटा ये?
क्या है पापा? निकाह नामा। हाँ हेलो टेमी, व्हाट, कौन से हॉस्पिटल में? वक्त से